नमस्कार, एनडीटीवी नेटवर्क के सभी चैनलों पर आपका स्वागत है और एक बेहद खास बातचीत हम लेकर के आए हैं हमारे विदेश मंत्री श्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ। उन्होंने अभी किताब लिखी है, 3 साल पहले उन्होंने किताब लिखी थी जिसका शीर्षक था द इंडिया वे, और अभी जो दूसरी नई किताब आई है उसका नाम है व्हाई भारत मैटर्स। तो हम अपनी चर्चा में बहुत सारी बातें करेंगे कि भारत की फॉरेन पॉलिसी में पिछले 10 साल में क्या बदला है, लेकिन सबसे पहले ये नाम का स्विच क्यों हुआ ये बताइए सर। ये नाम का स्विच इसीलिए हुआ क्योंकि इस दशक में और खासकर पिछले 3-4 साल में देश में ऐसे परिवर्तन हमने देखा है कि जो मुझे लगता है, मैंने ये संस्कृति के क्षेत्र में हो, जो अपनी आत्मविश्वास में हो, हमारे डिलीवरी में हो, हमारी अपनी सोच में हो, अगर ये सब आप इसको जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि इसको हमें कहीं अगर एक डिस्क्रिप्शन, एक इसका संक्षिप्त में इस कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत करना है तो मुझे लगा कि भारत, ये शब्द भारत का उपयोग करने से वो मैसेज मुझे लगता था कि इट इज़ अ राइट मैसेज टू कन्वे। तो मैं एक किस्म से भारत को एक माइंडसेट, एक अप्रोच मैं मान रहा हूँ। जी, ये इंटरेस्टिंग है कि इस तरह से सोचें तो फॉरेन पॉलिसी कैसे शेप होगी और पब्लिक ओपिनियन भी उसको कैसा फील करेगा। दूसरी बात जो आपने कहा कि इन 10 सालों में जो काम हुआ है, इनफैक्ट इतना ज़्यादा काम हुआ है आपके मंत्रालय के जरिए कि हम लोगों के लिए उसको कंप्रिहेंड करने में प्रॉब्लम है। तो अगर हम अपने दर्शकों की सुविधा के लिए उनको बिल्कुल बिग पिक्चर को कैप्चर करना चाहें और शुरू यहाँ से करें कि वो बड़े बड़े मार्कर क्या हैं जो ये बताते हैं कि मोदी एरा में फॉरेन पॉलिसी कैसे फुल्ली ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है। उदाहरण तो बहुत सारे हैं, जैसे आपने ही कहा था, अगर मार्कर की बात करें, 4-5 मार्कर ले लेते हैं। मैं कहूँगा एक तो हमारे पड़ोस में देखें, आप जानते हैं कि 2014 में ये नई नीति आई थी नेबरहुड फर्स्ट। नेबरहुड फर्स्ट का मतलब था कि हम अपने पड़ोस को एक प्राथमिकता दें और उनके साथ जो हमारी डीलिंग्स हो वो माने एक माने खुले दिल के साथ, जेनरसली, इक्वल। हाँ, कि भाई उनकी कोई कभी कभी ऐसी कोई ज़रूरतें होती हैं, हम इस पे ज़्यादा ना पड़ें कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हम आपके लिए, तो सौदा ना हो, कोई एक किस्म से इट्स अ रियल फ्रेंडशिप। तो उसका सबसे बड़ा मार्कर मैं कहूँगा श्रीलंका है, कि जब श्रीलंका संकट में पड़ा और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि वहाँ माने राष्ट्रपति को भी अपना पद छोड़ना पड़ा, तो और बाकी दुनिया चर्चा तो कर रही थी पर अगर आप मदद के रूप में देखें कोई कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहा था, और भारत एक देश था जिसने, और हमारे इतिहास में भी पहली बार हमने इतना माने $4.5 billion भी पुट आउट। तो ये मैं कहूँगा नेबरहुड में इसका एक मैसेज क्या है। दूसरा मैसेज, दूसरा मार्कर मैं आपको कहूँगा खाड़ी में होगा, जो मैं इसको अपने किताब में इसको मैं एक्सटेंडेड नेबरहुड कहता हूँ। एक्सटेंडेड क्योंकि अगर विभाजन के पहले अगर आप देखें तो ये हमारा नेबरहुड था, पर कहीं पिछले दशकों में हमारे माने सोच से ये निकल गया कि ये इतने दूर नहीं है, उनके साथ हमारे रिश्ते जो हैं बहुत घनिष्ठ होने चाहिए, उतने नहीं थे। आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर थे जो वहाँ UAE गए, बीच में कोई नहीं गया वहाँ प्राइम मिनिस्टर के लेवल। तो अगर आप UAE के साथ आप अभी हमारे रिश्ते अगर इनकी असेसमेंट आप करें, जहाँ 2014 में थे अभी वो रिश्ते कहाँ पहुँचे हैं, वो FTA हुआ है, ट्रेड बढ़ा है, हमारी जो वहाँ जो भारतीय समुदाय जो है और उनमें उनकी बहुत बड़ी वृद्धि हुई है, वहाँ एक मंदिर बन रहा है जिसका उद्घाटन अगले महीने होगा, और जो रिश्ते जो हैं जो ज़्यादातर कम्युनिटी तेल और व्यापार का होता था, अब इट्स ट्रूली स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। तो वो मैं आपको दूसरा मार्कर दूंगा, श्रीलंका 1 UAE 2।
तीसरा मार्कर मैं आपको दुनिया के माने सबसे ऊंचे स्तर में बिग पावर्स का दूंगा, यूएस। जो आपने पिछले साल देखा, जो प्रधानमंत्री का जो यूएस स्टेट विजिट जो हुआ था, आप जानते हैं कि मेरा काफ़ी अनुभव है यूएस के साथ। मैं दो बार यहाँ मंत्रालय, तीन बार मंत्रालय में उसके साथ डील कर चुका हूँ मंत्री बनने के पहले, और दो बार मैं यूएस में पोस्टिंग भी कर चुका हूँ। और जो बड़े बड़े विजिट जो माने जाते हैं, जैसे राजीव गांधी का 1985 वाला विजिट जो था, या डॉक्टर मनमोहन सिंह का 2005 वाला जिसमें न्यूक्लियर डील हुआ था, या खुद मोदी जी का जो 2014 वाला जो जहां मेडिसिन स्क्वायर गार्डन उन्होंने वहां संबोधित किया था, ये इस सब में मैं उपस्थित था। तो मैं खुद माने अपना एक किस्म से मैं पर्सनल कंपैरिजन दे सकता। मेरा डिस्क्लेमर, मेडिसिन स्क्वायर में मैं भी मौजूद था। तो इस बार जो विजिट जो था, और उससे ज़्यादा विजिट के रिजल्ट्स जो थे, जो उपलब्धियां जो थी, कि एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ था, कांग्रेस भी साथ था, उनके बिजनेस की दुनिया भी साथ थी, उनके टेक दुनिया भी साथ थी, हमारी समुदाय तो वैसे भी सपोर्ट करती, तो एक किस्म से वो पूरा सबको लग रहा था कि ये रिलेशनशिप अब एक अलग लेवल पे पहुंचा। चौथा मार्कर जो है, ये एक किस्म से ये डिप्लोमेसी में कभी कभी ये दुविधाएं होती हैं कि अलग अलग माने रिश्तों से, अलग अलग देशों से दबाव होता है, या उनकी अर्ज होती है कि भाई आप हमारी बात मानिए। तो अगर आप इसमें, मैं तीन उदाहरण आपको देता हूँ। एक तो यूक्रेन का, कि जहाँ दोनों साइड से अपनी प्रेशर्स थी, और ये प्रेशर जो थी, एक तो ये तेल लेने में भी था, और दूसरा कि हम अपनी G20 अध्यक्षता में इसको कैसे निपटाएं, कि कहीं कॉम्प्रोमाइज हम कैसे करें। दूसरा उदाहरण मैं आपको दूंगा क्वाड का, जहां ये चार देश, क्वाड के देश जो हैं, ये मिलजुल कर कुछ करना चाहते थे, 2007 में भी करना चाहते थे, पर उस समय दबाव के कारण शुरू किया, फिर बीच रास्ते में छोड़ दिया उसको। इस बार जब हम आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो फिर से प्रेशर तो आए थे हम पर। और अभी हम देख रहे हैं कि जो अभी जो जो पश्चिम एशिया में जो जो अभी जो लड़ाई जो चल रही है गाज़ा में, कि हमारे रिश्ते इसराइल के साथ तो बहुत ही घनिष्ठ हैं, वहाँ ये विषय आतंकवाद का विषय भी है, पर तब भी पैलेस्टाइन के साथ हमारी एक वहाँ एक पुरानी पोजीशन भी है। तो ऐसे सिचुएशन में इंडिपेंडेंट स्टांस लेना, और माने सोच समझ के लेना, ये नहीं कि बीच का कि भाई हमें छोड़ दो, हम कुछ नहीं कहना चाहते। आप रेलेवेंट भी हैं, पर एक तरफा आपकी पोजीशन नहीं। और मैं कहूँगा ये तीन चार उदाहरण जो हैं, ये एक किस्म से चौथा मार्कर और इंडिपेंडेंस स्टांस को दर्शाता है। और पांचवा मार्कर मैं आपको कोविड का मार्कर दूंगा, कि जो काम हमने वैक्सीन मैत्री में किया, कि करीब 100 देशों को हमने वैक्सीन पहुंचाया, और कुछ ऐसे देश थे जहां उनकी कोई अपेक्षा नहीं थी, कोई संभावना नहीं थी कि उनके यहां वैक्सीन पहुंचेगा, और कुछ ऐसे थे जिनको माने उनमें इतनी आक्रोश थी, क्योंकि बगल में विकसित देश थे जहां ढेर सारे वैक्सीन पड़े थे, कोई उसका उपयोग भी नहीं कर रहा था, पर वो माने शेयर करने के लिए तैयार नहीं थे। अभी भी अगर आप हम कहीं भी जाएं, मैं हाल ही में युगांडा में था, नॉन अलाइंड कॉन्फ्रेंस की मीटिंग चल रही थी, अभी भी कुछ भारत की बात आए तो लीडर एक के बाद एक खड़े होके कहेंगे कि भाई संकट के समय में ये एक देश था जो हमारे साथ जुड़े थे इन्होंने। और उनको ये भी पता है कि जब हम अपने ही लोगों की वैक्सीनेशन हमने ख़त्म नहीं किया था, यहाँ भी वैक्सीनेशन उस समय जारी थी, हाँ, तब भी हम शेयर करने के लिए तैयार थे। और मैं कहूँगा कि ये मैंने सचमुच दिल छूने वाली बात है, और अगले 10 साल के लिए इसकी जो कृतज्ञता जो है, ये हमारे लिए एक किस्म से बहुत ही पॉजिटिव फोर्स होगी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से पांच
क्लियर बातें बताई कि कैसे देखना चाहिए आपके इस पूरे 10 साल को। उसमें मिडिल ईस्ट का जो आपने जिक्र किया वो दरअसल बहुत ही बड़ा काम हुआ है और फाउंडेशंस तो बन गए हैं। इनफैक्ट हम थोड़ा क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि आने वाले दिनों में और वहाँ क्या क्या होने वाला है, क्योंकि आई एम श्योर कि आप लोग बहुत डीपर इंगेजमेंट जिसमें पीपल सेंट्रिक होगा सारा काम, लोग बहुत जाएंगे और शायद इन्वेस्टमेंट भी आएगा, उधर क्या क्या होने जा रहा है? देखिए वहाँ तो कुछ बड़े प्रस्ताव हैं जिसपे मैंने काम भी हो रहा है, लोग उसके बारे में वो डिस्कशन स्ट्रेटेजाइजिंग भी हो रही है। एक तो है कि ये इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये जब हमारे यहाँ जब G20 की जो शिखर सम्मेलन हुई थी उस समय ये तय हुआ था और यूरोप के 2-3 देश थे जो जिन्होंने इस पे हस्ताक्षर किया, सऊदी अरेबिया था, UAE था, हम थे, US भी है एक किस्म से इसका भाग। तो मैं उस पे इसीलिए बल देता हूँ कि अगर आप मुझे कहें अगले 10 साल में एक बड़ी आइडिया बताइए जो हम जरूर, जो गेम चेंजिंग टाइप आइडिया है, ये मैं कहूँगा ये इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। बिल्कुल, क्योंकि इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स और सप्लाई चेन तीनों में बहुत बड़ा बदलाव इसका है। और ये भी है कि अभी देखिए भारत जो है हम दुनिया में मैंने 5वीं इकोनॉमी है, अगले 2-3 साल में मुझे लगता है कि तीसरे पोजीशन में पहुंच जाएंगे। और अगर इकोनॉमी की साइज देखें, हमारा जो व्यापार जो है, हमारे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, हमारी कनेक्टिविटी की जो ज़रूरत जो है, ये सब माने बहुत ही जल्दी बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक किस्म से हम इसको इंक्रीमेंटल तरीके से ना सोचें कि हमें कुछ ऐसे बड़े आइडियाज चाहिए, क्योंकि भारत का रोल, भारत की इंटरेस्ट, हम एक अलग लीग पे जा रहे हैं। माने ये 10 साल जो हैं, अगर मैं 14 आप कहें, 14 में आप कहाँ थे, 24 में आप कहाँ हैं, मैं कहूँगा कि देश के अंदर और हमारा प्रभाव जो देश में दुनिया में है और दुनिया जैसे हमें देखती है, सब में इतना बदलाव आया है कि हम एक किस्म से एक अलग लीग में पहुँच गए हैं। और उस लीग की हमें अगले 25 साल की तैयारी करनी होगी, जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि अमृतकाल की सोचो। ये जो युवा पीढ़ी के लिए एक किस्म से ये एक अपॉर्चुनिटी, अवसर है, पर अगर हम ये 25 साल की तैयारी करें, ये 25 साल की तैयारी आप छोटे छोटे कदम से नहीं कर सकते, आपको कुछ बड़े आइडियाज चाहिए। और इनमें मैं कहूँगा टेक्नोलॉजी, एक ग्लोबल वर्कप्लेस एक आइडिया है, कनेक्टिविटी एक आइडिया है, टेक्नोलॉजी कि हम जो हैं टेक्नोलॉजी के बहुत क्षेत्र में पीछे रह गए, क्योंकि पहले जो है मैन्युफैक्चरिंग पे किसी ने ज़्यादा बल नहीं दिया। हमारे यहाँ हम इतना इंपोर्ट करते थे कि हमारे खुद मैन्युफैक्चरर जो हैं उनके साथ वो कम्पीट नहीं कर पाते थे। बिना मैन्युफैक्चरिंग के टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ेगी, हमारी टेक्नोलॉजी कभी आगे नहीं आएगी बिना मैन्युफैक्चरिंग। पर अभी हमने साबित किया है कि अगर आप ये देखिए, टेलीकॉम में देखिए, हम 2G 3G 4G जो है चाइना से इंपोर्ट करते थे, यूरोप से इंपोर्ट करते थे। 2020 में हमारे रिश्ते आप जानते हैं चाइना के साथ बिगड़ गए, क्योंकि जो सीमा में जो घटनाएं जो हुई, अब जब प्रेशर आया तो हमारी इंडस्ट्री में उतनी क्षमता थी कि वो 5G टेक्नोलॉजी, 5G स्टैक बना पाए। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि हम जो हैं अगर टेक्नोलॉजी के परिप्रेक्ष्य से देखें या कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से देखें, या आप ये भी देखें कि हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होगी और हमारी टैलेंट और स्किल, कि अभी 3.5 करोड़ इंडियन जो है भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के नागरिक बाहर रहते, और उनमें से बहुत सारे जो हैं वो दुनिया को आजकल एक ग्लोबल वर्कप्लेस जैसे देखते हैं कि कुछ साल बाहर काम किया, वापस आए, कभी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 4 साल भारत में, तो ये नई दुनिया आ रही। बिल्कुल, आपने जो एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया है हम लोग कर रहे हैं आजकल, वो है विकसित भारत के बाद
विश्वमित्र, उसके बहुत सारे टुकड़े अलग अलग हैं, लेकिन वहाँ ठीक से पहुँचने के लिए चाइना एक बड़ा इशू है। आपने अपनी किताब में लिखा भी है कि 3 म्यूचुअल्स जो हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इन तीनों पे हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है, दोनों को समझने की ज़रूरत है। और आपने बहुत ईमानदारी से लिखा है कि ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि ये रास्ता किधर जा रहा है चाइना के साथ, जो अभी हम जिस तरह से जिस सिचुएशन में हैं, इस पे थोड़ी क्लैरिटी हमको चाहिए। क्योंकि कल ही आपका बयान मैं देख रहा था जिसमें आपने कहा था वी हैव नो नीड टू फियर चाइना, बट हाउ आर यू मैनेजिंग चाइना? नहीं देखिए, जब मैंने कहा कि वी डोंट हैव टू बी स्केयर्ड ऑफ चाइना, मैं इसका कॉन्टेक्स्ट भी आपको समझाता हूँ। मैं IIT मुंबई में मैं स्टूडेंट से मिल रहा था, तो मैं नॉर्मली ये क्वेश्चन आंसर कन्वर्सेशन में करता हूँ, तो वहाँ किसी ने मैंने खड़े होकर मुझे कहा कि अरे हमारे पड़ोस में चाइना यहाँ भी है वहाँ भी है, मालदीव्स में देखिए क्या हो रहा है, श्रीलंका में ये हो रहा है, बांग्लादेश में वो, नेपाल में हो रहा है। अब मुझे लगा कि जिस तरीके से वो प्रश्न पूछा गया, जो भावनाएं जो थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे माने वो हम में वो कम्पीट करने की माने आत्मविश्वास और क्षमता नहीं है, और मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता अगर आप मैं आपको आज का एक किस्म से असेसमेंट दे सकता हूँ आज, क्योंकि इस पे प्रेस मीडिया जो है खासकर काफ़ी लिखती है कि कुछ कहीं हमारे अगल बगल में कुछ हो जाए तो वो तुरंत लिख देते हैं कि इंडिया इज लूजिंग, चाइना इज मूविंग फॉरवर्ड। हकीकत आप देखें कि अगर पूरे पड़ोस में अगर आप कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, पीपल्स जो मोबिलिटी ऑफ पीपल अगर आप देखें, तो सोशल इंटेलेक्चुअल ट्रेड आप देखें, तो हर यार्ड स्टिक से, हर मापदंड से आपको आप देखेंगे कि भारत की पोजीशन जो है पड़ोस में बहुत मजबूत है। पर यह भी सच है कि माने ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, कि हम ये ना मान के चलें कि चाइना जो है ये माने दुनिया और खासकर जो हमारे पड़ोस के देश हैं वो उनके साइड से कोशिश नहीं होगी, वो तो जरूर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे और कर भी रहे थे। इनफैक्ट यहाँ थोड़ा मैं और आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि आजकल हम लोगों में बात होती है कि वहाँ स्लोइंग इकोनॉमी है, फॉरेन इन्वेस्टर्स छोड़ करके जा रहे हैं, चाइना दिक्कत में है, तो कहीं ये भी हम लोगों को कॉम्प्लेसेंट ना बना दे। नहीं मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मुझे नहीं लगता। देखिए उनके भी अप्स एंड डाउन्स होंगी, पर मैं जो है मैं इसको डिप्लोमेटिक फॉरेन पॉलिसी कंपटीशन के नज़रिए से मैं देख रहा हूँ जी। मुझे लगता है कि हमारी सोच होनी चाहिए इंडिया मस्ट लर्न टू कम्पीट। करेक्ट। अब चाइना के साथ कम्पीट करें, नॉट ओनली चाइना, हो सकता है कि कुछ पश्चिमी देश भी हो जहाँ उनके उनके हित या उनकी सोच जो है हमसे अलग हो, और वो जो है क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में डिप्लोमेसी में होता क्या, हर देश जो है वो अपने हित के अनुसार वो सिचुएशन बदलना चाहता है। अगर मेरी आपकी सोच अलग हो, आप चाहेंगे कि वहाँ आपकी चले, मैं चाहूँगा कि मेरी चले जी, तो ये कंपटीशन होगी, ये कंपटीशन स्वाभाविक है। तो अगर हमें जो है एक किस्म से, इसीलिए मेरे लिए एनालॉजी मैं बहुत बारी मैं स्पोर्ट्स का यूज करता हूँ कि देखिए स्पोर्ट्स में कोई नहीं सोचता कि दूसरा टीम कहीं रहम करेगा जी, सब लोग जीतने की कोशिश करते, तो हमें वो माइंडसेट ले जाना चाहिए कि, और कुछ देश ऐसे हैं चाइना के साथ कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि वो भी राइजिंग पावर हैं, हम भी हैं, तो जो राइजिंग पावर्स के बीच में जो कंपटीशन होती है वो थोड़ी। आपकी डिप्लोमेसी बहुत जोर से कामयाब हो इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हमारा इकोनॉमिक मसल कितना डेवलप हो रहा है, और उसमें चाइना प्लस की बात तो हम कर रहे हैं, मुझे लगता है उसमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है और थोड़ा वेलकमिंग होने की ज़रूरत है। आई एम श्योर कि आप भी इसके लिए सरकार के अंदर बैठ के कोशिश करते होंगे। इसमें भी मैं, अगर आप क्षमा करें तो मैं इसको थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा, क्योंकि जब हम चाइना प्लस कहते हैं
ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया चाइना में है और आपकी कोशिश खाली चाइना से किसी को निकाल के भारत लाने की। मैं सेमीकंडक्टर का उदाहरण देता हूं आपको। मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कोई नई इंडस्ट्री नहीं है, पर उसका महत्व जो है दुनिया में ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि अभी हम जो हैं चिप्स का जो हर चीज़ में चिप होता है और हम एक किस्म से डेटा ड्रिवन वर्ल्ड में जा रहे हैं, जहां एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी महत्व ज़्यादा होगा। अब क्या हो रहा है कि जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज जो कंपनीज जो हैं दुनिया में, और इसमें बहुत सारे कंपनीज वेस्टर्न कंपनीज हैं या ताइवानीज भी हो सकते हैं, कुछ गल्फ वाले भी हैं, कुछ साउथ ईस्ट एशिया के भी कंपनीज हैं। अब ये सब कोशिश कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर्स की प्रोडक्शन जो है और इसकी पूरी वैल्यू चेन में इसको आप इसको एक्सपैंड करिए। तो दुनिया में एक कंपटीशन चल रहा है कि हर देश जो है वो अपनी तरफ इनको खींचना चाहता है। तो ये जो अभी जो मैं कहूँगा इकोनॉमिक कंपटीशन, हम जो मैंने किताब में लिखा है कि हमें वी नीड टू बिल्ड डीप नेशनल स्ट्रेंथ्स, टिल इंडिया हैज़ टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ्स वी कैनॉट बी अ लीडिंग पावर। और इसके लिए हमें वी हैव टू कम्पीट। अगर कोई उनको ये टर्म्स दे रहे हैं तो आपके टर्म्स और अच्छे होने चाहिए। आपकी एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि दुनिया में किसी और के पास इतने इंजीनियर्स, इतना इस क्वालिटी के ह्यूमन रिसोर्सेज, इस संख्या में ह्यूमन रिसोर्सेज वो नहीं। ये बिल्कुल हाँ, सही है। तो हमें इसका कैसे उपयोग करें, इसको कैसे लीवरेज करें, ये हमारी कोशिश है। एब्सोल्युटली। एक चीज और, पिछले दिनों दो हिकअप्स हैं, बड़ी बात नहीं है वैसे तो बड़ी हिस्ट्री में, लेकिन कनाडा और मालदीव्स, दो घटनाएं ऐसी हुई जो बड़ी अजीबोगरीब थी। दोनों से भारत के संबंध अच्छे हैं, तो अगर मैं सवाल को ओवर सिंप्लीफाई करूं और ये पूछूं कि क्या मैं मालदीव जाऊं? नहीं, देखिए ऐसा है, आपने ये नहीं पूछा कि आप मैं कनाडा जाऊं? दोनों नहीं, देखिए ऐसा है, जो कनाडा का विषय जो है, कनाडा का विषय ये है कि कुछ सालों से वो अपने राजनीति में ये जो अलगावादी, जो मैं कहूँगा आतंकवादी जो विचारधारा जो है, इसको उन्होंने बहुत स्पेस दिया है। उनकी पॉलिटिक्स, ये उनकी पॉलिटिक्स की मैं कहूँगा एक कमज़ोरी, और उसके कारण वहाँ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, घटनाएं हुई हैं जो होनी नहीं चाहिए। अब जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री ने हमारे बारे में पब्लिक में एक आरोप लगाया था। उसके पहले प्रधानमंत्रियों की मुलाकात भी हुई थी, यहाँ हुई थी और मैं प्रस्तुत था उसमें। तो हमारी पोजीशन ये थी कि देखिए, अगर आपके मन में कुछ सोच है, कुछ आपको कुछ सूचना मिली है, आपकी कुछ चिंता है, तो बेशक आप हमें बताइए। अगर आप पूरा नहीं बताना चाहते, कुछ तो बताइए कि ताकि हम अपने साइड से इसकी जांच करवाएं। उन्होंने कुछ शेयर नहीं किया और वो पब्लिक में उन्होंने आरोप लगाया। इसकी कंपैरिजन मैं आपको देता हूँ यूएस के साथ। यूएस ने हमें कहा कि देखिए, हमें लगता है कि कुछ क्रिमिनल्स हैं जिनका उनकी कुछ गतिविधियां हैं, हमें कुछ सूचना मिली थी, हमने इसको रोका है, हम आपको जितना सूचना हम दे सकते हैं, इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे, आप अपने साइड से हमें बताइए आपको क्या मिलता है और हम इस पर कोऑपरेट करने के लिए तैयार। और जो जिस किस्म से कैनेडियन पॉलिटिक्स में ये सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, वायलेंस, उनको जो स्पेस दिया गया है, वो आप अमेरिका में नहीं देख रहे। तब भी अमेरिका में कुछ प्रॉब्लम है, ये नहीं कि प्रॉब्लम नहीं, पर फर्क है, उनके पॉलिटिक्स में फर्क है और उनके अप्रोच में भी फर्क है, और जिस तरह से उन्होंने रिश्तों को हैंडल किया उसमें भी फर्क। मालदीव्स की जो आप बात कर रहे हैं, ये कुछ बिल्कुल अलग विषय है। हमारे पड़ोस में क्या होता है कि
पड़ोस में भी डेमोक्रेसी है, इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में पार्टियां पोजीशंस लेती हैं। अब हम एक बड़े पड़ोसी हैं, ये स्वाभाविक है कि कभी कभी उनकी पॉलिटिक्स में इस्तेमाल नहीं, हाँ हमारा उपयोग हो सकता है, हम भी एक विषय बन जाते हैं, कभी कभी विवाद का विषय भी बन जाते हैं। मेरा कहना इतना ही है कि एक बार कोई भी जो पॉलिटिक्स में जो कहना, जो पोजीशन लेना एक चीज़ है, एक बार आप ऑफिस में आ जाते हैं आपकी जिम्मेदारियां बदल जाती, तो फिर आपको माने बहुत सोच समझ के जो भी आपको कहना है सोशल मीडिया में कहना या माने मीटिंग में कहना है या मीडिया कंस्टिट्यूएंसी को कहना, हाँ, तो माने यू कैन नॉट बिहेव इन गवर्नमेंट लाइक यू बिहेव इन इलेक्शन, इन इलेक्शन करेक्ट। सो मेरी अपेक्षा तो है कि हम लोग बैठ के, क्योंकि हमारी कुछ मुलाकातें हो चुके हैं, जब दुबई में उनके राष्ट्रपति जी हमारे प्रधानमंत्री से मिले थे, मैं अपने काउंटर पार्ट से दो बार मिल चुका हूँ, युगांडा में भी मिला था मैं, तो मेरी मैं तो चाहूँगा कि हम माने बहुत एक किस्म से मैच्योर तरीके से बैठें, अगर उनके यहाँ कुछ विषय हैं तो हमने कभी इसको मना नहीं किया और सोल्यूशन निकालें, क्योंकि अंत में हम पड़ोसी हैं। अब जैसे वो कहते हैं हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, दे लीव यू नो चॉइस। एब्सोल्युटली। अच्छा, जैसा आपने कहा कि पड़ोसियों के साथ एक्चुअली हमारे रिश्ते बहुत आगे बढ़ गए हैं और नए मुकाम पे आ गए हैं, उसमें ये एक पीस जो है दूसरा वाला वो है पाकिस्तान, उसमें हम कुछ ऐसा सुन रहे हैं कि आप लोग फिर से कुछ अब नया इंगेजमेंट किसी भी लेवल पे रिस्टैब्लिश करने वाले हैं? नहीं देखिए, अब मैं फिर से शुरू करता हूँ कि पड़ोसी पड़ोसी होते हैं ना, वो हमें छोड़ सकते हैं ना हम उनको छोड़ सकते हैं। पर अगर आप देखें कि हम इस हालात में कैसे आए, इसके दो तीन कारण हैं। मुख्य कारण तो आतंकवाद का है कि जब तक पाकिस्तान में ये सोच है कि आतंकवाद के दबाव से भारत को हम नेगोशिएटिंग टेबल पे ला सकते हैं, ये हम इसको हम कभी माने हमारे लिए ये कभी मंजूर नहीं हो सकता। तो हमें जो है एक किस्म से साबित करना है कि जितना आप माने आतंकवाद का उपयोग करोगे इसका आप ही को इसका नेगेटिव रिजल्ट आप ही को भोगना होगा। मुझे लगता है कि पिछले दशक में ये साबित हो चुका है, पर ये बहुत माने ये सालों से चल रहा है, दशकों से चल रहा है, तो इस ये बदलना इतना आसान भी नहीं। ये भी है कि जो अभी की जो स्थिति जो है कि ये अभी आप जानते हैं कि हमारे एम्बेसडर हाई कमिश्नर नहीं है वहाँ, उन्होंने अपना भी बुला लिया था और कुछ और भी कदम लिए थे, ये उनके साइड से लिया गया था, 2019 में लिया गया था। तो मुझे लगता है कि हमें इस पे जो रिश्ते जो हैं इसको तो हम हर समय कोई भी मतलब महत्वपूर्ण रिश्ता है हम इसको रिव्यू करते रहते हैं, खासकर अगर पड़ोसी रिश्ता है तो और भी करते हैं। तो अभी देखना होगा कि आगे उनके यहाँ क्या माने उनकी राजनीति किस दिशा में जाती है। जी, तो मैं अगर ये स्पेकुलेट करूँ तो गलत नहीं होगा कि शायद जूनियर लेवल मिड लेवल के डिप्लोमेट्स का दोनों जगह आना जाना शुरू हो जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, माने ये नहीं है कि अभी जूनियर लेवल या मिड लेवल के डिप्लोमेट्स एक दूसरे के साथ डीलिंग नहीं करते, करते हैं अभी भी करते हैं। ओके, ये है कि जो जो डिस्कनेक्शन हो गया था, जो मैं कहूँगा जो फॉर्मल लेवल के, जो विजिबल लेवल के, जो औपचारिक स्तर पे जो इंस्टीट्यूशनल तरीके से, वो अभी दूर है। जी, आखिरी एक बात और आपसे समय की सीमा को देखते हुए कि आने वाले दिनों में जब हम विश्व मित्र बनने की बात करते हैं तो उसमें एक जनरल कमेंट्री है कि वेस्ट अब एक तरीके से डिफेंसिव पर है, अमेरिका की अपनी समस्याएं हैं, यूरोप तो बहुत संकट में है, चाइना एक अलग किस्सा है, तो ऐसे में भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, स्वीट स्पॉट है। आपने कहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ भी लाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेकर के आता है,
और उसमें पहले हम लोग इस पर बहुत परेशान होते थे कि वेस्टर्न ओपिनियन मेकर्स हमारे बारे में कुछ भी कमेंट करते हैं, तो आप ही ने लिखा है कि जो डिज़ायर फॉर एक्सेप्टेंस है स्पेशली बाय कॉम्पिटिटर्स, अब मुझे ये लगता है कि उसकी बहुत ज़रूरत नहीं है क्योंकि शायद हम नैरेटिव सेट भी कर रहे हैं। नहीं, आपका कहना कुछ हद से तो ठीक तो है, पर मैं ये भी कहूँगा कि एक तो एक्सेप्टेंस है, एक आर्गुमेंटेशन है। दुनिया में जैसे कहते हैं ना, लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे, पर हमें हर समय सुनने की ज़रूरत नहीं, कभी कभी जवाब देने की भी, जवाब देने का समय भी होता है। जो जैसे क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस एक किस्म से पॉलिटिक्स ही, माने देशों के बीच पॉलिटिक्स है, और आज ग्लोबलाइज दुनिया में ये भी है कि हमारी पॉलिटिक्स जो है देश के बाहर भी जाती, हमारे खुद लोग भी ले जाते हैं बाहर कभी कभी, तो कभी कभी आलोचना होगी। ये भी हो सकता है, मैं तो कभी हैरान हूँ कि हमारे बारे में ऐसी चीज़ें कही गई हैं जो माने दे आर फैक्चुअली रॉन्ग, पर यह भी झेलना पड़ता है। तो इट हैज टू बी अ मिक्स। इफ आई मे ऐड टू दैट, आपने जो कहा क्रिटिसिज्म अनफाउंडेड, तो उसमें एक कमेंट्री चलती है, उस पर आपके विचार फिर से जानना चाहिए हमको, वो कि साहब यहाँ पर डेमोक्रेसी के बड़े इश्यूज हैं, और ये वो लोग कह रहे हैं, वो देश कह रहे हैं जो जिनके यहाँ खुद ही डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन सब चैलेंज हो रहे हैं। सो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू सच ऑब्जर्वेशंस? नहीं, उदाहरण आपका बहुत, इट्स अ वेरी गुड वन, एंड आई, ये इन वन वे दिस इज अ बिग आर्ग्यूमेंट इन विच आई एम वेरी एक्टिव, क्योंकि अगर आप देखें, जब उनको लगता है कि इलेक्शंस इन इंडिया हैव नॉट डिलीवर्ड द रिजल्ट दे वांटेड, तो इलेक्शन प्रोसेस की आलोचना करते हैं, देन दे विल से योर कोर्ट इज़ नॉट ओके, योर इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट ओके, अरे आपके यहाँ वोटिंग रेट ठीक नहीं है, इतनी बहुमत से आप नहीं जीते, तो माने इट इज़ लाइक आपने मन बना लिया है, उसके बाद आप तर्क ढूंढ रहे हैं, नया टर्म यूज़ करते हैं, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। अब आप देखिए कि यूज़ कौन कर रहा है, तो उनके यहाँ, और ईच वन ऑफ देम इज़ रिफ्यूटेबल। अब अगर आप, मैं कहूँगा यू टेक सिटीजनशिप, क्राइटेरिया ऑफ सिटीजनशिप, आप देखें उनके यहाँ क्या होता है, वो कहते हैं रिलीजन और स्टेट शुड बी डिफरेंट। आप उनके यहाँ देखिए क्या होता है कि किस किताब पे हाथ रख के अपना ओथ लेते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन पे लेते हैं, वो लोग माने कभी कभी धार्मिक किताब पे हाथ रखते हैं। तो इट इज दिस इज अ कॉन्स्टेंट आर्ग्यूमेंट। तो मेरा बस इतना कहना है कि बाय ऑल मीन्स आपको जो कहना, प्लीज से व्हाट यू वांट टू से, बट देन बी प्रिपेयर टू हियर व्हाट आई हैव टू से ऑन व्हाट यू हैव टू से। ये वन वे कॉन्वर्जेशन नहीं होगा जी। जब आपने पहला सवाल मेरे से पूछा ना कि बट आप इंडिया से भारत क्यों आए, भारत जवाब देगा जी। दिस इज अ बिग डिफरेंस। बिल्कुल, इसके लिए G20 बना, ग्लोबल साउथ की बात हो रही है, जो पुराने मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस जितने हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जितने हैं, वो सब भी बहुत सीरियस चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ग्लोबल साउथ बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन उसमें भी कंट्राडिक्शन बहुत सारे हैं। सो कहते हैं ग्लोबल ऑर्डर को अगर हमको फिर से रीस्टैब्लिश करना है, तो उसमें भारत काम तो काफ़ी कर रहा है, लेकिन वो कौन सा स्टेज होगा जिसमें हम ये कहें कि अब हम एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में बात कह रहे हैं जहां भारत महत्वपूर्ण है और वो पूरे दुनिया की कमेंट्री या कहानी को सेट कर रहा है? देखिए, अगर आप ग्लोबल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, नॉर्मली ग्लोबल ऑर्डर में माने रिवोल्यूशनरी चेंज नहीं आती, रेवोल्यूशनरी बहुत बड़ी आप बदलावट तभी देखते, माने व्हेन देयर इज, जैसे अब वर्ल्ड वॉर हुआ, अब महायुद्ध के बाद बहुत बड़ा चेंज हो सकता है, पर नॉर्मली ये इवॉल्व करता है स्टेप बाय स्टेप। हमारे लिए भी अगर क्योंकि हमारी अभी हमें क्या चाहिए,
हम चाहते हैं जितनी स्टेबिलिटी हो, स्थिरता हो, इट इज़ बेटर फॉर अस, जितनी ग्रोथ हो, जितना एनवायरनमेंट हो जिसका हम लाभ ले सकते हैं, दुनिया के एनवायरनमेंट हो, तो हम भी चाहेंगे कि जितना एक किस्म से देर इज़ स्टेबिलिटी एंड देर इज़ प्रोग्रेस। अगर इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा उथल पुथल में भी, इट विल बी डिफिकल्ट टू नेविगेट, टू नॉट ओनली नेविगेट, इट विल बी डिफिकल्ट टू ग्रो। तो मैं कहूँगा वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस। एट वन लेवल वी वॉन्ट स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, इवन दो वी नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टाइम, एट वन लेवल वी वॉन्ट चेंज। सो इट, आपको लगता है कि ये विपरीत एक किस्म से लक्ष्य, बट इट हैज़ टू बी मैनेज्ड दैट इन अ वे। तो जैसे मैं कहता हूँ, अगर आप जो वेस्टर्न पावर्स के बारे में, तो मेरा कहना है किताब में कि इंडिया इज नॉन वेस्ट बट वी आर नॉट एंटी वेस्ट, क्योंकि हमें उनके साथ भी काम करना है। जो ये विश्व मित्र का जो कॉन्सेप्ट है, ये है कि दुनिया में अभी अलग अलग ब्लॉक्स हैं, अलग देश हैं, अलग क्षेत्र हैं, ये ग्लोबल नॉर्थ जो विकसित देश हैं, जो ग्लोबल साउथ जो विकासशील देश हैं, तो आपस में विवाद भी है, एक किस्म से उनके हित कभी कभी इसको रिकंसाइल करना इतना आसान भी नहीं है। हम जितना, जो आपने कहा स्वीट स्पॉट, कि ये ईस्ट वेस्ट कॉन्ट्रडिक्शन, नॉर्थ साउथ डिवाइड के, जितना हम बीच में रह सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं सबके साथ, इसीलिए मैंने कहा कि हमारी विश्व मित्र जो है, ये सबका साथ सबका विकास का एक माने इंटरनेशनल एडिशन इम्प्लीमेंटेशन। जी बिल्कुल बिल्कुल। दो छोटे आखिरी सवाल, चूंकि आपकी किताब में रामायण और महाभारत का एक संदर्भ है, तो उसी से मैं ख़त्म करूंगा। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद किसी ने कमेंट किया है सोशल मीडिया पे कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो हनुमान भी हैं और श्री कृष्ण भी हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, जो हम भारत की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ अगर आप डिप्लोमेसी या विदेश नीति की बात करें, क्योंकि हम लोगों की ट्रेनिंग, एजुकेशन, सोच ऐसी है, तो जो तर्क जो हम देते हैं, जो उदाहरण हम प्रस्तुत करते हैं, वो ज़्यादातर जो हैं वो पश्चिमी दुनिया के। और मुझे पहले वाले किताब में भी लगा कि कहीं हमें एक किस्म से अपना जो हमारी जो संस्कृति विरासत जो है, इसका, इससे हमें एक किस्म से इसको हमें इंटरनलाइज करना चाहिए और इसको अपने तर्कों में, और ख़ासकर जब ये कॉन्वर्जेशन हमारे बीच में होता है, कि अगर मैं आपको रामायण से कुछ कहूँ कि लक्ष्मण रेखा मान लीजिए, आप तुरंत जान जाएंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इट मीन्स। तो मुझे लगा कि एट वन लेवल, जहाँ हमारी जो देश में जो कॉन्वर्जेशन जो अभी जो हो रही है, वी शुड यूज़ मोर ऑफ आर ओन। सेकेंड, ये भी है कि हमारे खिलाफ ये कहा जा रहा है कि भारत में कभी स्ट्रेटेजिक कल्चर नहीं था, ये तो माने एक किस्म से ये कभी इनकी बिग पावर थिंकिंग थी ही नहीं। अब ये लोग कह रहे हैं जिनका हित है इसको इनकार करने में। तो मुझे ये भी लगा, जैसे आप कोई वेस्टर्न किताब पढ़ेंगे और वो उनके जो एपिक्स जो हैं, अब वो इलियड है, ओडेसी है, उसका कहीं विवरण होगा, उसकी कहीं जिक्र करेंगे लोग, मुझे लगा कि हम क्यों ना करें। और जो उदाहरण मैंने दिए हैं, जैसे डिप्लोमेसी का, कि अगर ये देखिए कि हनुमान से बड़ा डिप्लोमेट, कि वो सचमुच एक किस्म से लिटरली डिप्लोमेट, कि उनको राजदूत के रूप में लंका भेजा गया था, और वो अच्छे डिप्लोमेट हैं कि वो उनका इंटेलिजेंस मिशन भी था कि जो कि जितना सीता पर खबर उनको मिले और एक्टिविस्ट डिप्लोमेट भी थे कि उन्होंने जाते जाते उनको नुकसान भी पहुंचा जी। तो और पर वो अकेले नहीं थे, मैंने वो रेफरेंस अंगद का भी दिया, एग्जांपल है कि ये माइंड गेम, डिप्लोमेसी जो है बहुत एक किस्म से एक माइंड गेम होता है। एग्जैक्टली,
कि राजा के सामने राजा ने आपको नीचे बिठा दिया तो उन्होंने अपने आप को ऊपर कर लिया, तो ये बहुत बड़ा माइंड गेम होता है कि मैं देखे मैं किस लेवल से मैं आपके साथ मैं डील कर रहा हूँ। या कभी कभी, और ये मैंने उनकी माँ तारा के बारे में कहा है कि डिप्लोमैट जो है एक बहुत माने टेंशन वाले सिचुएशन में आ जाता है तो आपको शांत करना पड़ता है कि भाई आप बैठिए बात करते हैं, विल फाइंड अ सोल्यूशन, कई बीच रास्ता निकल आएगा। तो दर रामायण में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और जो आज के मैं कहूँगा इंटरनेशनल रिलेशंस डिप्लोमेसी में जो आज के जो कॉन्सेप्ट जो बात करते हैं ना कि हम चलिए हमें कोलिशन बनानी चाहिए, तो माने ये वानर सेना क्या था, एक किस्म से कोलिशन ही था। तो ऐसे मैंने बहुत सारे उदाहरण देकर, पर मेरा इसमें इरादा ये भी था कि कहीं हमारे यहाँ पीपल शुड स्टार्ट थिंकिंग आवर ट्रेडिशन, आवर कल्चर, आवर हिस्ट्री, आवर एग्जाम्पल, देन यू आर मोर भारत। जी बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी सवाल सर, क्योंकि आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ जिसमें आपने बताया कि आपके बॉस पीएम मोदी कितने दिन में कितने देश ट्रैवल किए, कितनी मीटिंग्स की, कितने वक्त सोए, वो पूरा हिसाब आपने दिया था। जब बॉस ऐसा हो और एक आईएफएस ऑफिसर जिसको छुट्टी, गोल्फ, वेकेशन, वीकेंड सब चाहिए होता है, तो आप ऐसे बॉस के साथ छुट्टी अपनी कैसे मैनेज करते हैं? साहब ऐसा है, एक तो मैं गोल्फ खेलता नहीं हूँ तो वो तो मुझे कहीं त्यागने की ज़रूरत ही नहीं थी। नहीं, क्या होता है कि एक किस्म से ये एक इमेज है कि ये डिप्लोमेट की छवि है कि ये सब करते हैं, पर That was in a manner of speaking. Basically, I wanted to know because he works so hard and taking a break is actually good for more work and more productivity. No, you have to find different ways of taking a break. I mean, ये नहीं कि हम machine नहीं, माने ये हम लोग भी कहीं ना कहीं माने इसका कुछ system होता है। जैसे we have to stay physically fit. मैं साल में 30-40 बार I do 30-40 trips out in a year. ओके, आई मीन फॉरगेट अदर थिंग्स, उसमें कम से कम आपको फिटनेस तो चाहिए कि आप प्लेन से उतरे, एक दिन रहे, फिर कहीं और चले गए, और फिर आपकी टाइम जोन का चक्कर रहता है। तो अगर आप ये बताएंगे कि आपका फिटनेस रेजिमेन क्या है तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। नहीं, तो पार्ट ऑफ इट इज आप हाउ डू यू स्टे फिट, हाउ डू यू मेंटली रिलैक्स। एक तो है इफ यू लाइक योर वर्क, उसी में आपको टेंशन नहीं होगी, री एनर्जाइज। मुझे कभी नहीं लगता कि भाई मैं आज ऑफिस जा रहा हूँ यार, आज मुझे ये करना है। एवरी डे इज लाइक, बट आई डू स्पेंड एवरी डे, आई स्पेंड एवरी मॉर्निंग आई स्पेंड 1 आवर ऑन सम फिटनेस। आई प्ले स्क्वाश, आई प्ले बैडमिंटन, कुछ और नहीं, आई डू स्ट्रेचिंग, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ विच कीप्स मी फिट। मैं आई लिसन टू म्यूजिक, म्यूजिक, रीडिंग, दीज आर रिलैक्सिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन द वर्ल्ड, इसीलिए आई ज्वाइन फॉरेन सर्विस। सो ट्रैवल ऑल्सो इन अ वे काम होता है, बट समवेयर यू अब्सॉर्ब अदर थिंग्स। तो द आइडिया कि आप 4 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते के लिए हॉलीडे में गए, वो तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन मोदी सरकार, दैट वो हमें शुरू से पता था। सो और ये नहीं है कि खाली माने मिनिस्टरों की ये सिचुएशन है, फ्रेंकली जब मैं सेक्रेटरी भी था, इवन देन इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक ऑफ सो मच टाइम। तो यू हैव टू फाइंड अ डिफरेंट वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स। तो समटाइम्स होता है, पीपल टेल मी, मैंने आपको टीवी में देखा, आप अरे बहुत थके लग रहे थे, अब होल मैम आई वॉन्ट टू से भाई इफ यू आर डन माई जेट लैग यू वुड ऑल्सो लुक लाइक दिस। तो हम लोग इस बातचीत को इस पॉइंट पे एंड कर सकते हैं कि अभी इलेक्शन आ रहा है तो कैंपेन ट्रेल में मेहनत करने के लिए आप रेडी हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए इस इलेक्शन में, बिकॉज सचमुच मुझे लगता है दिस विल बी अ वेरी वेरी आई वुड से फॉर इंडिया, इंडियन राइज ऑफ इंडिया, ये अमृतकाल का पहला इलेक्शन। हमने इस दशक में अमृतकाल का फाउंडेशन बना रखा है, अभी ये अमृतकाल की लॉन्च है। तो ये इस इलेक्शन के निर्णय जो हैं ये अगले 25 साल तक इसका प्रभाव आपको दिखाई देगा। तो हम सबको व्हाटएवर वी आर आस्क्ड टू डू,
एंड मोस्टली यू हैव सीन, आई मीन ये इलेक्शन के लिए हमें किसी को रुकने की जरूरत नहीं है, वी हैव ऑल बीन ऑन द रोड. मैं कल ही मैं मुंबई में था, परसों मैं गुजरात में था, वी हैव बीन ट्रैवलिंग अराउंड द कंट्री टॉकिंग टू पीपल. तो जो हमें कहा जाता है दैट इज व्हाट वी डू. एंड इफ यू अलाउ मी टू आस्क अगेन, यू विल बी कैंपेनिंग एज कैंपेनर नॉट एज अ कैंडिडेट. आई विल डू व्हाटएवर इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी. आई थिंक दिस इज अ गुड नोट टू एंड आवर कन्वर्सेशन. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू. प्लेजर.